Hello everyone. Very good morning to all. So guys, today we are going to discuss about human eye. Okay, human eye a living lens. सोचो जीता जागता lens जो है वो हमारे eyes के अंदर है, eye के अंदर है और इसको हम लोग जानते नहीं. तो इन फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, कोई भी चीज़ हमको कैसे विजिबल होते हैं, इसके क्या क्या बेसिकली लेयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो ह्यूमन आई is spherical and the front portion is bit bulging which is called cornea. आपको जनरली जो ह्यूमन आई का जो फ्रंट लोब मिलता है यानी कि जो आप व्हाइट पोर्शन देखते हो विथ ब्लैक स्पॉट के साथ उस लेयर को यानी कि जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में झिल्ली या मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉर्निया. ओके, ये कॉर्निया का लेयर होता है. एंड बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ ऑप्टिक्यूल स्क्रीन विच इज कॉल्ड आयरिस. ओके, अब इसके कॉर्निया के नीचे आपको एक बेसिकली क्या मिलता है, लेयर फॉर्म होता है. ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक कॉपी की स्क्रीन आपको दी गई होता है जिसको आयरिस बोला जाता है. एंड देयर इज अ स्मॉल एडजस्टेबल होल इन द सेंटर ऑफ आयरिस विच इज कॉल्ड द प्यूपिल. ओके, प्यूपिल आप लोगों को देखता होगा. देखो प्यूपिल जो होता है एक्चुअल में क्या है, प्यूपिल ऐसा एक छोटा सा एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, छोटा सा होल होता है जिससे लेंस जो होता है वो अपना क्या करता है, अपना फोकस क्रिएट करता है. ओके, तो यहाँ पे विजिबल होगा आपका प्यूपिल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑटोमेटिकली. ओके, ये जो है मस्कुलर एक्सप्रेशन के साथ मसल्स के साथ ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने आप को फोकस कर देता है. The diameter of the pupil decreases with much light and increases when we stand in darkness. Most important, देखो गाइस क्या होता है, जो डायमीटर होता है pupil का, ठीक है, pupil का मतलब जो डायमीटर है होल का जो साइज है, ठीक है, ये क्या है, ये इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है कब, विथ मच लाइट, जब बहुत सारा लाइट होता है. अब देखना जब बहुत सारा लाइट में आते हो ना आप, तो आपकी आंखें जो होती है थोड़ी छोटी हो जाती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि आंखें भी छोटी हो रही है, वो आयरिस जो लेंस है वो उसको छोटा करता है. एंड बेसिकली ये बड़ा कब हो जाता है आयरिस, जब हम लोग क्या करते हैं डार्कनेस में चले जाते हैं. डार्कनेस में जाते हो तो इसका जो होल है वो साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमको लाइट की क्या होती है डिस्टेंसी हो जाती है, हमको ज्यादा लाइट चाहिए होता है. यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्यूपिल के डार्कनेस और जो लाइट की जो डेंस है उसकी प्रेजेंस से आप देखना कि जो समुद्री डाकू रहते थे या फिर जो बेसिकली क्या थे, जो बेसिकली जो कैप्टन हुआ करते थे एशियन टाइम, जो बिगल्स होते थे उनके यानी जो जहाज होते थे उनके, उनके जो फेस होता था यानी कि जो उनका फेस होता था, वो लोग अपने फेस में आईज में जो उनके आईज हैं उनमें वो क्या करते थे, वो लोग काला पट्टी जो होता है ब्लैक क्लॉथ से ऐसा कवर करके रखते थे. ये देखो ऐसा कवर करके रखता था एक वाले पोर्शन को, एक आंख के पोर्शन को. ऐसा क्यों होता था पता है, ताकि जब वो बहुत ज़्यादा लाइट में रहेंगे तब वो इस आईज के थ्रू क्या कर सकते हैं, अच्छे से विजिबल कर सकते हैं. बट उनको बार बार क्या करना पड़ता था, नीचे जाके मसलरी रूम में चेक करना पड़ता था. तो वो सडनली मसलरी रूम जो था इतना मतलब डेप्थ में था जहाज के कि वो बहुत ज़्यादा अंधेरे वाले हिस्से में रहता था. अब वो सडनली क्या होंगे, जब नीचे जाएंगे तो उनका ये वाला आईज जो होंगे वो कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देता है. अब जरूरी देखना जब आप बहुत ज़्यादा लाइट से और सडनली आप क्या आते हो अंधेरे में आते हो तो आपको कुछ दिखता नहीं है कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए ब्लर हो जाता है. तो उसको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, फोकस एडजस्ट करने में टाइम लगता है पीपिल को. तो इसी इनके पास इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि सपोज अगर कोई वहाँ पर इनको क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो ये इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं, ये जो आईज में वो लोग क्लॉथ बांध के रखते हैं, पट्टी जो बांध के रखती है उसको स्लाइड करके यानी कि सरका के ये जो क्लॉथ है उसको इस वाले आई में ले आते हैं और इसको ओपन कर देते हैं. ये तो पहले से अंधेरे में रहता है इसलिए उनको प्रॉपर दिखने लगता है. ठीक है, तो पॉइंट हमेशा याद रखने ये सब. ओके, एंड द रियल इमेज देखो देखो एक मिनट, behind this lens is a convex lens which is made up of soft transparent material is called lens of the eye. जो आई का जो लेंस होता है, जैसे यहाँ पे देखो आप
आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो ह्यूमन आईज होता है ना, तो ह्यूमन आईज में जो आपको लेंस दिख रहा है, ये जो लेंस दिख रहा है ये काफी सॉफ्ट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जो एक आर्टिफिशियल आईज कहे गए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आयरिस में ना, आयरिस कई बार खराब हो जाता है, ये जो एक मेम्ब्रेन है आयरिस, ये क्या होती है, एक बिस्किन लेयर फॉर्म होती है, जो कई बार जिनमें धब्बे आ जाता है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। तो उस टाइमिंग में ये लेंस तो सही काम करता है, ठीक है, ये कॉर्निया सही काम करता है, लेंस सही काम करता है, आयरिस जो है वो सही काम करता है, बट ये जो प्यूपियल का कंडीशन, ठीक है, इनमें जो लेयर होती है वो इनमें क्या होती है, स्पॉटिंग बनने स्टार्ट हो जाता है और मेम्ब्रेन पूरा ब्लॉक हो जाता है, लेंस फोकस कर नहीं पाता और आपको ब्लैक दिखने स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिसीजेज कुछ होती है इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ह्यूमन आई दट इंटर मोस्ट पार्ट देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड रेटिना। जो आई का सबसे इंटर मोस्ट जो पार्ट होता है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, एंड द रियल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज काउंट ऑफ पर्सन इज मेड बाई द आई लेंस ऑफ द रेटिना। सपोज करो ये ह्यूमन आईज है, ठीक है, ये ह्यूमन आईज है, ह्यूमन आई ही है ये, ठीक है। अब ये ह्यूमन आई जो है, इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म होना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे होगा वो देख लो आप लोग। देखो जनरली ये जो रेटिना आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है रेटिना, ये रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्म कैसे होगा, जैसे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसका लाइट जाएगा इसमें, ठीक है, इसका लाइट जाएगा इसमें। अब आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी रे क्या जाती है, फोकस जाती है, ठीक है, मतलब पैरल जाती है, तो इसका इमेज जो होता है वो फोकस पे ऐसे पड़ता है, तो इसका इमेज ऐसा फोकस पे पड़ेगा, ठीक है, मतलब फोकस पे जाके मिलेगा। इन ये जो इमेजेस होगा, उसका जो स्क्रीन है वो कहाँ पे दिखेगा, रेटिना पे, मतलब आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, मतलब रेटिना फोकस पे रहता है। अब मेन पॉइंट ये होता है, ये दिखता कैसे, आपको सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादातर कंडीशंस में, यानी मैक्सिमम कंडीशंस में इन्वर्टेड यानी कि उल्टा और रियल इमेज बनता है। मीन ये जो होगा इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, मतलब ये अगर ऐसा है तो हमारा रेटिना में इमेज ऐसा बनेगा, लेकिन जब यहाँ से सिग्नल जाता है, सेंस ऑर्गन है ये, यहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन इसको क्या करता है, स्ट्रेट समझ के उसको रीड करता है। तो ये हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। ओके, द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ पर्सन आईज इन लेंस रेटिना। ओके, देयर इज स्पॉट नियर अबाउट द मिडल ऑफ द रेटिना विच इज कॉल्ड द येलो स्पॉट। द इमेज फॉर्म ऑन येलो स्पॉट इज वेरी क्लियर। जो येलो स्पॉट आपको दिख रहा होगा रेटिना में, ठीक है, रेटिना में आप देखोगे तो आपको येलो स्पॉट दिखेगा, दिख रहा है येलो स्पॉट, यानी रेटिना के जस्ट पहले या क्या है, येलो स्पॉट है, तो क्लियर इमेज फॉर्म होता है रेटिना जो कंडीशन है, और येलो स्पॉट में, येलो स्पॉट कुछ नहीं रेटिना के ही एक पार्ट होता है, तो वहां पे आपका क्लियर इमेज जाकर फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म ऑन येलो स्पॉट इज वेरी क्लियर। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कॉर्निया एंड इट रिफ्लेक्टेड बाय द लेंस। आफ्टर रिफ्रैक्शन द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज क्लियर एंड इन्वर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, रियल होता है, और रियल होने का क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है इमेज। टू गेट अ क्लियर इमेज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी चीज का क्लियर इमेज चाहिए तो आपको मिनिमम मिनिमम मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। मैक्सिमम आप रख सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर चाहिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बुक को 25 सेंटीमीटर से आगे लेके आओ, मतलब इसको 20 और 10 सेंटीमीटर में लेके आ जाओ, आपका इसका जो इमेज होगा वो क्लियर नहीं बनेगा, यानी बुक को आप क्लियर नहीं पढ़ पाओगे कोई भी चीज़ को। यानी बुक भी पढ़ते हो तो टेबल से आपके जो आई का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है, ठीक है, उससे कम नहीं रहता है। अगर आप उसको कम करते हो, यानी कि बेसिकली क्या करते हो, आप उसको 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में लेके आते हो, तो देखना वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी फोकस नहीं हो पाता, ठीक है। ये बहुत इजी टाइप है, आप इजी देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई में जो है
जनरली बहुत सारे क्या होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं आई डी फेक्ट। अब ये आई डी फेक्ट क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखो। पहला है आई विथ शॉर्ट साइट नेल, ओके, शॉर्ट साइट नेल। शॉर्ट साइट नेल होता है एक डिजीज, और एक होता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये दो क्या होते हैं बेसिकली, मतलब जो शॉर्ट आपका क्या है शॉर्ट साइटनेस है और उसका रेक्टिफिकेशन मतलब इसको दूर कैसे करते हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया। देखो कई बार क्या होती है जब कोई इंफिनिटी से कोई चीज़ें आती है तो उसका इमेज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है प्रॉपर रेटिना पे नहीं बन पाता, वो कहीं बीच में बनता है और वो चीज़ें हमको क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत पहले क्या हो रही है, देखो बहुत पहले क्या हो रहा है, बहुत पहले लेंस से काफ़ी पास आ जाता है, तो लेंस उसको बहुत फोकस से पहले इसको क्या कर देता है इमर्ज कर देता है। तो हमको कुछ ऐसे लेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको थोड़ा सा फैला के इस लेंस में पहुँचाए। तो इसका बेस्ट काम कौन करता है, कॉन्वेक्स। कॉन्केव जो लेंस होता है वो जनरली इन रेस को थोड़ा सा फैला देता है। ये देखो लेंस अपने प्रॉपर लेंथ में जाता है, ठीक है, और फिर वो प्रॉपर कहाँ पे बनता है रेटिना पे, इसका इमेज काम होता है येलो स्पॉट पे। ओके, तो देखो क्या है ये कंडीशन, आपको पता होगा इसको जनरली हिंदी में दूर दृष्टि दो निकट दृष्टि दो ही बोलते हैं। तो ये निकट वाली कंडीशन है। देखिए सम पर्सन बोथ आई लेंस आर नॉट प्रॉपर कांट सी थिंग्स एट अ डिस्टेंस। एक प्रॉपर डिस्टेंस में जब कोई इनको क्या कर सकते हैं प्रॉपर दिखाई नहीं देता, इन दिस द इमेज ऑफ अ फार अवे ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना। जब कोई दूर की जो देखो क्या है फार अवे मतलब जो दूर कोई भी चीज़ रखी है और उसका इमेज रेटिना पे प्रॉपर नहीं बन पाता। देखो रेटिना पे तो क्या रहा है बढ़ रहा है, बट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ इट दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। देखो क्या हो रहा है इन दिस द इमेज ऑफ अ फार अवे ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना, रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाता, बट एट अ पॉइंट इन अ फ्रंट ऑफ इट दिस डिफेक्ट इज आई इज कॉल्ड शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। तो जब आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट उल्टा चलता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है लेकिन दिखता दूर का है, मतलब नहीं दिखता दूर का है। दिस डिफेक्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाई यूजिंग लेंस आई लेंस विथ डबल कॉन्केव लेंस। इसको दूर करने के लिए यानी कि जरूरी हमको प्रॉपर इस चीज को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग जनरली डबल कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ये देखो कॉन्वेक्स जो कॉन्केव लेंस है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड, ओके, द रे दिस डिफेक्ट, ओके, दिस लेंस डाइवर्ट द रे सो दैट इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। ये देखो अब ये इमेज क्या करता है, ये जो लेंस है उन रेज को जो पहले ही क्या हो जाते थे रिफ्रैक्ट हो जाते थे उनको ये डाइवर्ट करता है और प्रॉपर इमेज फिर कहाँ बनता है रेटिना पे बनता है गाइस। ठीक, तो ये पहला डिफेक्ट है जिसको आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट डिफेक्ट तो जो है देखो नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग साइटनेस या फिर इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ओके, हाइपर मेट्रोपिया जिसमें थोड़ा सा क्या होता है बहुत ही एडवांटेज है चाहिए। देखिए ये आपका आई विथ लॉन्ग क्या है साइडनेस है, यहाँ पे कोई पास की चीज जो होती है वो क्लियर आपको दिखाई नहीं देता, इसको लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। दूर की चीजें आपको क्लियर होंगी लेकिन पास की चीजें आपको क्लियर नहीं होगा, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो सम ओके, सो बेसिकली सम पर्सन ऑन द कॉन्ट्रैक्टली हैव अपोजिट डिफेक्ट, इसके जस्ट अपोजिट मतलब कि किसके शॉर्ट साइड नेस जो होता है उसका अपोजिट इनमें डिफेक्ट्स होता है, दैट इज दे कांट सी थिंग्स विच आर नियर बाई, जो पास का होता है उनको ये नहीं देख पाते, दूर की चीज़ें इनको दिखाई देता है लेकिन पास की चीज़ें इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन नाम क्या है देखो लॉन्ग, ठीक है, नाम लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब दूर और दूर की चीज़ें ये देख सकते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। ओके, लेकिन पास की जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देता, याद रखना, बिकॉज ड्यू टू टेंशन इन द आई लेंस एंड द फोकल लेंथ इंक्रीज, इनका जो लेंस है और इनका जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये उसको क्या नहीं कर पाते अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और इसका इमेज जो होता है रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे चला जाता है।
ये दिख रहा है आपको, इमेज यहाँ फॉर्म होना था बट इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो रेटिना पे उसका प्रॉपर इमेज बन रहा है क्या? नहीं, ब्लर दिखेगा या कुछ भी अजीब सा दिखता है आपको, ठीक है। तो इसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, यानी कि देखो ये इमेज को जल्दी बनाने के लिए इनका लेंथ कम करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो उसको डायरेक्टली रेटिना पे रिफ्लेक्ट करता है। और ये फिक्स नहीं होता ना, जब आप बेसिकली जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको क्या करता है, अलग अलग नंबर शो करते हैं, ठीक है। पहले जैसे ए बी सी दिखा रहा है, तो पहले ए बी सी का साइज़ बड़ा रहता है, फिर ए बी सी का साइज़ छोटा कर देते हैं, फिर छोटा कर देते हैं, तो उससे आपका ये जो लेंस होता है, पहले तो टाइप पता चलता है कि आपको कौन सा साइटनेस है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, उसके बाद लेंस का नंबर निकालते हैं कि आपका कितना डायोप्टर का लगना है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन के थ्रू लेंस एड कर देते हैं, या तो आपको गॉगल चश्मा बना के देते हैं या तो डायरेक्टली लेंस फिट कर देते हैं आइस में। सो क्या कर रहे हैं हम लोग, सो ड्यू टू द इमेज द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड बेसिकली दिस डिफेक्ट इज नोन एज लॉन्ग साइडनेस एंड हाइपर मेट्रोपिया। दिस डिफेक्ट्स कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग एन आई ग्लासेस विथ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो इसमें यूज होगा, आपके ग्लासेस में यूज होगा। दिस लेंस टर्न द रेज इन सच अ वे डेट रेज फोकस प्रॉपरली ऑन द रेटिना। ओके, अब क्या होता है, प्रॉपर आपको फिर क्या होता है, दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है।